आप देख रहे हैं TNB। आज गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती है। सिख धर्म के लोग गुरु गोबिंद सिंह जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन घरों और गुरुद्वारों में कीर्तन होता है, खालसा पंथ की झांकियां निकाली जाती है। इस दिन खास तौर पर लंगर का भी आयोजन किया जाता है। बता दें कि गुरु गोबिंद को ज्ञान, सैन्य क्षमता और दूरदृष्टि का सम्मिश्रण माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई के लिए समर्पित कर दिया था। और सबसे जरूरी बात, सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। साल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह सिखों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना माने जाती है। गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था। गुरु गोबिंद सिंह का उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वहीं उनके जीवन से जीने के 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें पंच ककार कहा जाता है। सिखों में इन 5 चीजों का अनिवार्य माना जाता है, और ये 5 चीजें हैं केश, करा, कृपान, कंघा और कच्छा। वहीं इस दिन पटना साहिब में बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ती है। बिहार की पटना साहिब यानी कि गुरुद्वारे में संगतों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस गुरुद्वारे में वो सभी चीजें मौजूद हैं जो इसका इस्तेमाल गुरु गोविंद सिंह जी करते थे। यहाँ गुरु गोविंद की छोटी कृपान भी मौजूद है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखा करते थे। इसके अलावा यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के खड़ाऊ और कंघा भी रखा हुआ है। यहाँ वो कुआं भी अब तक मौजूद है, जिसका इस्तेमाल गुरु गोविंद सिंह जी की माँ पानी भरने के लिए करती थी। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो। इसके साथ ही आप सभी को हमारे चैनल द नेशनल बुलेटिन और हमारे द नेशनल बुलेटिन टीम की तरफ से आप सभी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।